नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल डीडीबी कैंपस में नए उत्साह और नई उमंग के साथ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि ये जो हमारी वीडियो है, पार्ट 8 वीडियो है। इसके पहले की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, अगर सबसे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप सोचते हैं कि हम लास्ट में वीडियो को लाइक करते हैं और लास्ट में जाते जाते आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे चैनल पर सुपर 30 क्वेश्चन, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के होंगे, उसकी एक नई सीरीज स्टार्ट हुई है, जो कि टॉप 30, जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए गए हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, किस वंश के राजा को अनुदान में भूमि दी गई थी? हमारा ऑप्शन क्या है, कर्णव, ए सुंग, सी सतवाहन और डी मौर्य। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, हमारा सही ऑप्शन सी होगा, सतवाहन। हमारा फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, किस वंश के राजा ने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी थी? सी, हमारा सही ऑप्शन क्या है, सी सतवाहन वंश। सतवाहन वंश आंध्र प्रदेश का वंश था। अब से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सतवाहन वंश कहाँ का वंश था, तो सतवाहन वंश आंध्र प्रदेश का वंश था, जिन्होंने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी। सतवाहन वंश के राजा खुद भी ब्राह्मण जाति के थे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सतवाहन वंश के राजा किस जाति के थे, तो ब्राह्मण जाति के थे। कहाँ का रहने वाले थे दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश का वंश था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अशोक के अपने शिलालेख में किस क्षेत्र को कर मुक्त बनाने और मात्र 1/8 को कर लगाने की जानकारी दी? हमारा ऑप्शन क्या है, लुम्बिनी, कुशीनगर, जूनागढ़, भाबर। हमारा सही आंसर क्या होगा, हमारा सही आंसर ए होगा, लुम्बिनी। अपने सिंहासन की वर्षीय गांठ पर अशोक ने लुम्बिनी को कर मुक्त के रूप में घोषित किया और केवल 1/8 हिस्सा करायोग्य के रूप में घोषित किया। दोस्तों, उसने ऐसा क्यों किया, अपने सिंहासन की 20वीं वर्षगांठ पे किया। इस तथ्य का वर्णन निगलिवा और रूमदेही के शिलालेखों में पाया जाता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब अशोक ने कर मुक्त किया था तो उसका वर्णन किस शिलालेख में मिलता है, तो आपको याद रखना है निगलिवा और रूमदेही शिलालेखों में पाया जाता है उसका वर्णन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किस ब्राह्मण ग्रंथ है? ऑप्शन ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद और डी अर्थवेद। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, हमारा सही ऑप्शन सी होगा, यजुर्वेद। यजुर्वेद मतलब शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण किस ब्राह्मण ग्रंथ है, तो यजुर्वेद के हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता को ढोलवीरा स्थल में की सबसे अनोखी विशेषता क्या है? ऑप्शन क्या है हमारा, ए है, इसके शहरों को क्षैतिज रूप से कई भागों में विभाजित किया गया था, बी इसके शहर असमान रूप से विभाजित थे, सी इसके शहर को 3 भागों में विभाजित किया गया था, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, हमारा सही ऑप्शन सी होगा, इसके शहरों को 3 भागों में विभाजित किया गया था। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता का धौलीवाड़ा शहर आज गुजरात में स्थित है। अब से ये पूछ सकता है कि उस समय का धौलीवाड़ा शहर जो है वो कहाँ स्थित है, तो वर्तमान के गुजरात में स्थित है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी, तो इसकी प्रमुख विशेषता 3 हिस्सों में विभाजन था। इसकी प्रमुख विशेषता ये थी कि 3 हिस्सों में विभाजन था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन सा राज्य गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित थे? अवंती, गंधार, कौशल और मगध। हमारा विकल्प क्या है, 1 और 2 तीनों सही है, 2 और 4, 3 और 4, डी 1, 3 और 4। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा, हमारा सही आंसर सी होगा, 3 और 4, मतलब कि कौशल और मगध ये गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित थे। इसमें जो अवंती गंधार राज्य गौतम बुद्ध के जीवन से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं थे, मतलब ये कह रहा है कि पहला और दूसरा जो है वो गौतम बुद्ध के जीवन से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं थे। इसके अलावा कौशल के राजा प्रसेनजीत गौतम बुद्ध के शिष्य थे। कौशल गौतम बुद्ध के जीवन से क्यों संबंधित थे, कि वहाँ के राजा जो प्रसेनजीत थे वो गौतम बुद्ध के शिष्य थे। और मगध, मगध का राज्य गौतम बुद्ध के शिक्षुओं से प्रत्यक्ष संबंधित माना। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ऋग्वेद काल की अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ए मुख्यतः देहाती अर्थव्यवस्था, बी
कई अनाज की खेती, सी कृषि आधारित समाज, डी वेतन की अधिकता। हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? डी वेतन की अधिकता, मतलब कि ऋग्वेद काल में वेतन लेने और देने का कोई साक्ष्य नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन सा शब्द वेदों और वेदों की शाखाओं को सिखाने के विद्यालय के लिए प्रयोग किया गया है? शाखा, चरण, रथ, यज्ञ। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा? बी होगा, चरण। मतलब वेदों और वेदों की शाखाओं को सिखाने के लिए विद्यालय में चरण शब्द का प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्राकृतिक भाषा की व्याकरण, प्राकृतिक प्रकाश की रचना किसने की? पिंगल, यास्क, वरुचि, सौनक। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? हमारा सही आंसर बी होगा, सॉरी हमारा सही आंसर सी होगा, वरुचि। क्या होगा ये? बी नहीं होगा, सॉरी सी होगा, वरुचि। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, मेगा सनी द्वारा भारत के बारे में कहे गए कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? ए भारत में प्रचुर सोना चांदी तांबा और लोहा है, भारत में सुव्यवस्थित जाति व्यवस्था है, सी भारत में अक्सर अकाल पड़ता है, डी डायनोसियस ने भारत पर आक्रमण किया। ये जो ये ऑप्शन सही है, ये मतलब ये तो भारत में प्रचुर मात्रा में सोना चांदी पाया जाता है, ये तो सही है, भारत में सुव्यवस्थित जाति व्यवस्था ये भी सही है, और डायनासोर ने भारत पर आक्रमण किया था। लेकिन जो मेगास्थनीज ने ये कहा था सी कि भारत में अक्सर अकाल पड़ते रहते हैं, ये जो ऑप्शन है उसने गलत कहा था। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर सी होगा कि भारत में अकाल पड़ता है। उसने ये क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें सत्य नहीं है वो पूछा है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारत में अक्सर अकाल पड़ता है, ये कथन सत्य नहीं है। इसमें तीसरा कथन गलत है, भारत में प्राचीन काल में कभी अकाल नहीं पड़ा, मतलब प्राचीन काल में भारत में कभी अकाल नहीं पड़ा। ऐसा जब हुआ है जब बारिश ज़्यादा होती है, बाढ़ की संभावना हो जाती है या बाढ़ हो जाती है, तब हल्की फुल्की यानी थोड़ी बहुत अकाल की संभावना बन जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से भारत के बारे में सर्वप्रथम किस ग्रीक विद्वान ने लिखा है? ए हेरोडोटस, बी एस्टेसियस, सी साइलेक्स, डी हिप्पल्स। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? सी है साइलेकस। दोस्तों इसको साक्ष्य नहीं पाया गया है। ग्रीक लेखा के अनुसार सबसे पहले साइलेकस भारत आया था और उसे डेरियस नामक राजा ने भेजा था। कौन सा राजा ने भेजा था? तो डेरियस नामक राजा ने उसको भेजा था और उसके लेख आज नष्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों ये है हमारे प्राचीन भारत के पार्ट 8 की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकॉन है बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमसे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।